जी स्टूडेंट्स वेलकम इन दिस वीडियो सतनाम सिंह दिस साइड तुहाडा दोस्त अते तुहाडा अध्यापक सो आफ्टर लॉन्ग गैप नाउ आई एम बैक सो मैं उम्मीद है कि तुहाडियां वीडियोस जिहड़ियां हैगियां तुहाडे विषयां दा ना वीडियो मैं इसी तरीके नाल हुण बनाउणियां जारी रखांगा और विद्यार्थियों वीडियो शुरू करन तों पहलां मैं तुहानूं इह चीज़ दस्सना चाहांगा कि मेरी कोशिश है कि तुहानूं छोटी तों छोटी वीडियो दे विच घट समें दे विच तुहाडा टॉपिक क्लीयर कर सकां सो अज दा जिहड़ा मैं टॉपिक लैके आया हां उह है कविता टुट्टी जग तों मियारी रिटन बाय भाई वीर सिंह जो कि तुहाडी पाठ पुस्तक जमात 12वीं की पाठ पुस्तक लाजमी पंजाबी 12 दे विचों ले गई है विद्यार्थी सब तो पहला जेकर आपां भाई वीर सिंह जी की गल करिए भाई वीर सिंह नूं आधुनिक पंजाबी कविता का मोढ़ी मनिया जाता वा भाई वीर सिंह अध्यात्मवाद अते रहस्यवाद दे नाल जुड़े हुए जिहड़े विषय ने उन्हां दे उत्ते कवितावां लिखते ने भाई वीर सिंह कुदरत दे प्रेमी कवि कहवाए गए सो इस कविता दे विच वी जेकर आपां गल करिए सिंपल शब्दों दे विच जेकर मैं आखां तां भाई वीर सिंह ने कश्मीर बारे जिहड़ी कश्मीर दी टुकड़ी है कश्मीर जिहड़ा भारत दे विच स्थित है वह जिसनों के धरती का स्वर्ग आख्या जाता है उस दे बारे गल कीती गई है। इस दे विच भाई वीर सिंह ने कल्पना की है विद्यार्थियों क्योंकि कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि सो इमेजिनेशन है ये भाई वीर सिंह की उन्होंने एक इमेजिनेशन की है इमेजिन किया है उन्होंने कल्पना से उन्होंने कि मैं एक आसमान दे विच एक कुदरत की देवी देखी जिसने कि नचती टपदी ने खुशियां की शहपर लाई ने कदे इधर जाती कदे उधर मुठ्ठी भर के उन्हें कई चीज़ा इकट्ठिया की उस तो बाद मुठ्ठी धरती ने सुट दी जिथे वो मुठ्ठी का समान गिरिया उत्थे वो कश्मीर बन गया सो ये इसका सार सो हम आप लाइन टू लाइन गल करते हैं विद्यार्थियों भाई वीर सिंह जी कह रहे हैं कि मैं आसमान के बच्चे एक कुदरत की देवी देखी अरशा दे कुदरत देवी सानू नजरी आई भाव भाई वीर सिंह कह रहे हैं कि मैं आसमान के बच्चे एक कुदरत की देवी नज़र आई हुसन मंडल में खड़ी खेलती खुशियां छैपर लाई हुसन मंडल मतलब सुंदरता का खंड मतलब सुंदरता जरा भाग है जरा समान की गल की गई है कि मैनू कि समान के कुदरत की देवी दिखी नज़र आई जी कि हुसन मंडल के खड़ी हुई है खेड रही है तो खुशियां की छैबर लाई है छैबर मतलब वर्खा तो खुशियां की वर्खा लाई हुई है आस पास खुशियां ने खुशियां की वर्खा नीचे आ रही है दौड़ी ने एक मुठ भर दिखती इस आया अगीर सिंह कहते हैं कि उस कुदरत की दौड़ी ने देवी ने दौड़ के दौड़ी इधर जा रही दौड़ी इधर उन्हें भजती भजती ने एक अहम मुठ्ठी भर दी आसमान के उस मुठ्ठी के आया उस मुठ्ठी के परबत टिब्बे करेमे बिच मैदान सुहाया उस मुठ्ठी के परबत टिब्बे करेमे और मैदान सोहना मैदान सारे आ गए फिर चश्मे नाले नदियाँ झील जिड़ी कि निके जे समुद्र वर्गियां से सारिया वो हाथ के आ गई उस तो बिना ठंडिया छावं मिठिया हवावं बन बागा जिहे सुंदर बाग जिहड़े कि जंगल वर्गे सुंदर लगते हैं वह भी उसके हाथ के समा गया उस तो बाद बर्फा मीहां धुप्पा ते बद्दल रुत्तां प्यारे मेले प्यारे सो आ सारिया चीज़ां उस कुदरत की देवी दे हाथ के इकट्ठिया होकर आ गई मुठ्ठी के अरशी नाल नज़र विच आए उस मुठ्ठी में सारे सो उस आसमान के जो कुदरत की देवी नचती टपती सी खुशियां की शहबर लगाई हुई सी उन्हें आसमान के मुठ्ठी भरी उस मुठ्ठी के आ सारिया चीज़ा जगह उस मुठ्ठी के आ गई उस कुदरत की देवी दे मुठ्ठी के आ गई करेमे का मतलब होंगे वा बेटा टिब्बिया के उत्ते जी समतल जगह होंगी मैदानी भाग हों वा उसमें असं करेमे कहा जाते हैं टिब्बिया उत्ते पदरी जी थान होंगी उन्होंने करेमे आते हैं सो सिंपल शब्दों के कहा जाता कि भाई वीर सिंह ने कुदरत नज़ारा देखा तो उन्होंने आसमान के एक कुदरती देवी दिखाई दिती जिहड़ी कि खुशियां की छैबर लाई हुई सी उस तो बाद उन्हें खुशियां के इधर उधर जाते हैं एक मुठ्ठी है भर ली आसमान से तो उस मुठ्ठी के उन्होंने सारिया चीज़ा मुठ्ठी के उस कुदरती देवी ने भर लिया तो उस सो विद्यार्थियों पहला पैराग्राफ के भाई वीर सिंह ने आख्या कि उसनु आसमान के एक कुदरती देवी दिखाई दी जिन्हें खुशियां की छैबर भाव वर्खा लाई हुई है उसने आसमान के इधर उधर जाते हुए आसमान के ही है उसने एक मुठ्ठी भरी उस मुठ्ठी के परबत करेमे टिब्बे पहाड़ आसमान के ही उसनु बाग जंगल कई चीज़ा जिहड़ियां सुंदर नज़ारे जिहड़े तो असीं कश्मीर के दिखाई देते हैं उसके हाथ के आ गए उसकी मुठ्ठी के आने तो बाद की होया विद्यार्थियों दूसरे पैराग्राफ देखियो सोनी ने आसमान खड़ो के धरती वल तका के भाव वो मुठ्ठी जो भरती उस तो बाद उन्हें आसमान के खड़ के आसमान के खड़ गई धरती के वल देख लग गई सोनी ने आसमान ख
खड़ो के आसमान के खड़ के धरती के वल थले झाक रही है देख रही है ये मुठ्ठी खोली तो सुटिया सब कुछ हेठ टका के उस तो बाद खड़ के देखे नीचे धरती है तो उस तो बाद अपनी जी समान तो जी मुठ्ठी भरी सी जिद सारे नज़ारे कुदरती जोड़े तुम कश्मीर के देख रहे हो कश्मीर से देख रहे हो उसने देखिया तो उसने मुठ्ठी नीचे खोल दिती जिस थावे धरती से आके ये मुठ्ठी डिगी सारी भाव जिस जगह से धरती की जिस टुकड़ी के भाव भारत के उस टोटे से कश्मीर के जिस जगह के उत्ते आ के सारा कुदरती नज़ारे जो तुम कश्मीर से देख रहे हो जिथे आके पर्वत करेमे टिप्पे झरने चश्मे बाग जंगल दिखाई दिते ठंडिया छावं हलिया छावं जिथे जाके डिगिया उस थाओ कश्मीर बन गया टुकड़ी जग तो न्यारी सो बच्चे उस कुदरती देवी ने आसमान के हथ के मुठ्ठी भरी तो जिस थान के उत्ते उन्हें आसमान के खड़ के थले तक के मुठ्ठी खोल दिती जिस थान के उत्ते जाके उस धरती के टुकड़े में सारा समान गिर गया जो सारे कुदरती नज़ारे आ गए उस थान के उत्ते कश्मीर बन गया धरती का जिसमें स्वर्ग आख्या जाता है वह कश्मीर बन गया टुकड़ी जग तो न्यारी न्यारी भाव बहुत खूबसूरत अद्भुत यूनीक डिफरेंट बिल्कुल निराली जी कि स्वर्ग के तौर पर लगती है। सो तीजे पैराग्राफ से की कहते हैं भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि है धरती है तो धरती का टुकड़ा कश्मीर बच्चे धरती है तक जोड़ा है टुकड़ा धरती का ही है ना है धरती पर छो समानी सुंदरता के लिशके कश्मीर के जो सुंदर नज़ारे ने ना इन्ने लिशक रहे हैं आसमानी छो प्राप्त लगती है तो वो धरती का टुकड़ा पर जो जी उनकी सुंदरता है ना वो सुंदरता देख के लगता कि आसमान जोड़ा है आसमान की छो जी है प्राप्त है धरती के रस धरती का जोड़ा रस है उस जगह का जोड़ा रस है स्वाद है नज़ारे ने रमज अर्श दी चमके रमज का मतलब होंगे वा भेत गुजा भेत सीक्रेट ठीक कह रहे हैं भाई वीर सिंह कि यह धरती का टुकड़ा जरूर है पर जी इनकी सुंदरता है जी इनकी सुंदरता अलग है दूरों ही दिखाई दे रही है चमक रही है ठीक है धरती के रस सुलाब ने जाने रमज रस की चमक ए प्रतीत हो रहा है भावें वो धरती का टुकड़ा है पर ए प्रतीत हो रहा जिमें कि उसमें आसमान की छो प्राप्त होंगी है उसमें आसमानी छो प्राप्त है उसमें एक अद्भुत छो प्राप्त है उसमें परमात्मा की एक छो प्राप्त है भाव एक डिफरेंट तरीके की होगी है चाहे वह धरती का टुकड़ा ही है पर ए लगता जो जी वे नज़ारे ने ना कि आसमान की छो प्राप्त है आसमानी चीज़ लगती है वो अद्भुत चीज़ लगती है। तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद है कि तुम्हें यह चीज़ समझ आ गई होगी कुछ छोटे जे प्रश्न ने 8 तो 10 जिहड़े कि मैं तुम्हें रिकॉल करवा दा ताकि पता चल जाए कि तुम्हें यह आँदी है। सो इस कविता के राइटर का नाम की है भाई वीर सिंह एक रहस्यवादी अध्यात्मवादी कवि ने जिहड़े कि कुदरती नज़ारे के प्रेमी ने। टुकड़ी जग तो न्यारी विच किस देवी का जिक्र होया है कुदरती देवी का। कुदरती देवी कित्थे खेड रही है हुसन मंडल दे विच आसमान च खेड रही है। टुकड़ी जग तो न्यारी कविता अनुसार मुठ्ठी में की आया बेटा पर्वत करेमे टिब्बे वो सारिया चीज़ा जो कुदरती नज़ारे तुम कश्मीर से देख रहे हो सिंपल चीज़ है याद करन दी बहुत सौखे तरीका कि कश्मीर से जो तुम्हें सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। कविता में कादी शैबर लाई है खुशियां की शैबर लाई हुई है चश्मे नाले नदियां के झीलां किस तरह जाप रहे हैं ये सारे बड़े समुद्र के वांग जाप रहे हैं। टुकड़ी जग तो न्यारी किस धरती को कहा गया है हाँ जी कश्मीर को आख्या गया है। जंगल की तुलना कादे नाल कीती है हाँ जी बाग दे नाल कीती है बाग दे नाल जिहड़ी हैगी है जंगल की तुलना कीती गई है। सो बच्चे मैनू उम्मीद है कि तुसी इस कविता नूं चंगे तरीके नाल समझा होगा नैक्सट वीडियो दे विच दूजी वीडियो दे नाल दूसरे विषयां दे नाल तुहाडे नाल जल्दी हाजिर होवांगा। बेटा जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ सबसक्राइब एंड लाइक गॉड ब्लैस खुश रहो टेक केयर मिलदे हां जल्दी।